अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल दिलचस्प सोच को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी होना करो। मेरी आज की वीडियो तीतर, जिसे मनु मुआ या चिकन बर्ड भी कहा जाता है, बड़े सगीर पाक हिंद के मैदानी और खुश्क हिस्सों में पाया जाता है। ग्रे तीतर यानी भूरा तीतर भी कहा जाता था। तीतर दरमियाने साइज का होता है, जिसके नर औसतन 11.6-13.4 इंच, 30-34 सेंटीमीटर और मादा औसतन 10.2-11.9 इंच, 26-30 सेंटीमीटर होती है। नर का वजन 9-12 औस, 260-340 ग्राम होता है, जबकि मादा का वजन 7-11 औस, 200-310 ग्राम टन होता है। परिंदों की ऊंची आवाजें आमतौर पर सुबह सवेरे सुनाई देती हैं। परिंदों के जोड़े कभी कभी जोड़ी में मशगूल होंगे, वो आमतौर पर छोटे गिरोहों में देखे जाते हैं और उनसे खूबसूरत आवाजें हम तक पहुंचती हैं। तीतर की अफजाइश का मौसम अप्रैल ता सितंबर है और घोंसला जमीन पर छुपा हुआ खुरचना है। घोंसला कभी कभी जमीन के सतह से ऊपर किसी दीवार या चट्टान में या ताक में बनाते हैं। माता 6-8 अंडे देती है। इनकी खुराक में बीज, अनाज के साथ साथ कीड़े मकोड़े, खास तौर पर दीमक और मुख्तलिफ सब्जियां जैसे चुकंदर शामिल हैं। वो कम कांटेदार दरख्तों में गिरोहों में रहते हैं और इनकी कई अकसाम बयान की गई हैं। तीतर आम तौर पर झाड़ी और खुले मुल्क में नंगी या कम घास से ढकी हुई जमीन पर चारा लगाते हुए पाया जाता है। वो बहुत तेजी से और खूबसूरती से दौड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो भागने की बजाय सरकते हैं और इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। इनका शिकार इनकी रेंज के ज्यादातर हिस्से में कम जाल का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है और बुलाने वाले परिंदों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से पकड़े जाते हैं। अगरचे इनकी मादूमियत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज्यादा शिकार किया गया है, जिसके नतीजे में इनकी तादाद बहुत कम रह गई है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन खूबसूरत परिंदों का ख्याल रखें और इनको बेजा शिकार न करें, क्योंकि परिंदे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत हैं और ये नेमत इस दुनिया पर कायम रहनी चाहिए। अगर हमने इनका खात्मा कर दिया तो हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे, ये बात भी सोचने की है। अजीज व्यूअर्स, बात यह है कि गोरा तीतर जो है बड़े सगीर पाक हिंद में इंतहाई मकबूल है और ये बहुत से इलाकों में पाया जाता है और इसका शिकार भी बहुत ज्यादा किया जाता है। बस सलाम।